अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत इजी और बहुत ही टेस्टी क्रिसमस स्पेशल प्लम केक की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। हमने इसे बिना ओवन के कढ़ाई में ही बनाया है और ये देखिए कितना स्पॉन्जी सा हमारा केक बना है। और ये देखिए अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट है और ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है, बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी भी है। तो फिर चलिए हम लोग फटाफट से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बोल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे एक कप ऑरेंज जूस। यहाँ पर मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस यूज़ किया है, आप चाहे तो मार्केट का पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच खजूर, जिसका हमने बीज निकाल कर इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और दो बड़े चम्मच इसमें हम डाल देंगे किशमिश। और अब मैंने यहाँ पर ले लिया है दो बड़े चम्मच मुनक्का, ये बिना बीज वाला मुनक्का है, इसे मैंने दो टुकड़ों में कट कर लिया है, इसे भी हम जूस में डाल देंगे। और अब डालेंगे चेरी, जिसे हमने चार टुकड़ों में कट कर लिया है, दो बड़े चम्मच चेरी डाल देंगे। और दो बड़े चम्मच येलो कलर की टूटी फ्रूटी डालेंगे। दो बड़े चम्मच ग्रीन टूटी फ्रूटी डालेंगे और दो बड़े चम्मच ही रेड टूटी फ्रूटी डाल देंगे। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। सभी को हम मिक्स कर लेंगे और इसे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक हम रख देंगे सोख होने के लिए। अगर आपके पास इससे ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। हमें यहाँ पर कैरमल सिरप बनाना है, तो चीनी को हम ऐसे ही मेल्ट होने देंगे। ये देखिए चीनी को हम लो फ्लेम पर मेल्ट कर लेंगे। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। जितनी हमने चीनी ली थी उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे, वरना ये मिक्स नहीं होगा अच्छे से। ये देखिए सारा पानी हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे मिक्स फ्रूट जैम, दो बड़े चम्मच हम इसमें जैम डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जैम को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें एक अच्छा सा बॉयल भी आ चुका है, तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इसे ऐसे सिर्फ ही रखना है, हमें इसे हार्ड नहीं करना है। फ्लेम को ऑफ करके हम इसे ठंडा कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पर एक हैवी कढ़ाई रख दी है, इसे हम प्रीहीट करेंगे, तो इसके बीच में हम रिंग रख देंगे और इसे हम कवर करके आधे घंटे के लिए प्रीहीट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर केक टिन ले लिया है, इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें हम लगा देंगे बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल इसमें मैदा डस्ट करके इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हमने वापस से इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है और हमारा केक टिन रेडी है। अब इसे साइड में रखते हैं और अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक बड़ा बोल ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 कप दूध और इसमें 1 कप ही चीनी डाल देंगे। और अब हम इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि ऑयल अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। ये देखिए ऑयल और दूध अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम एक छलनी रखेंगे और इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। इसमें हम टोटल 3 कप मैदा डालेंगे। अभी हम 1.5 कप डालेंगे और इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर, आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। दालचीनी पाउडर से इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच नमक और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें एक भी लम्स नहीं है। तो अब हम इसमें वापस से मैदा डालेंगे, मैदे को हम अच्छे से छान लेंगे। ऐसे ही करके हम इसमें 3 कप मैदा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए एकदम स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए बादाम 2 बड़े चम्मच और 2 बड़े चम्मच हम इसमें कटे हुए काजू डाल देंगे। आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कैरमल का जो हमने सॉस बना रखा था और जो फ्रूट को हमने सोक किया था उसे भी। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आप इसमें मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ये देखिए सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस एक छोटी चम्मच और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं, इसे ज़्यादा थिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ना ही इसे ज़्यादा लूज होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और दो छोटी चम्मच हम इसमें विनेगर डाल देंगे और इसे फटके हमें इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमें बैटर को रखना नहीं है तो हम केक टिन में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे हम हल्का सा टैप कर लेंगे ताकि जो भी एयर बबल्स हैं वो ऊपर आ जाए। अब हम इसे डेकोरेट कर लेंगे अपने मनपसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से, आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है तो अब हम इसमें अपना केक टिन डाल देंगे। केक को पकने में टोटल 1 घंटे लगेंगे तो अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे। केक को बेक होते हुए 1/2 घंटे हो चुके हैं तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। 1/2 घंटे से पहले हम इसका ढक्कन नहीं हटाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा केक फूला है और अब हम इसे वापस से डेकोरेट कर लेंगे क्योंकि जो भी हमने डेकोरेट किया था वो अंदर जा चुका है। ये देखिए हमने इसे डेकोरेट कर दिया है और इसे वापस से हम कवर कर देंगे और अब इसे बेक होने देंगे 30-40 मिनट के लिए। ये देखिए पूरे 1 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसे खोल लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा केक बेक हो गया है। हम इसमें एक नाइफ इंसर्ट करेंगे। ये देखिए नाइफ हमारा बिल्कुल क्लीन निकला है, मतलब कि हमारा केक बेक हो चुका है और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। केक को हमने ठंडा कर लिया है और अब हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। नाइफ की हेल्प से हम इसके किनारों को हल्का हल्का छोड़ा लेंगे। ये देखिए हमने केक को डिमोल्ड कर लिया है, बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा ये केक बना है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं ये कितना स्पॉन्जी कितना सॉफ्ट सा हमारा केक बना है। ये देखिए मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो ये वापस से अपनी शेप में हो जा रहा है। हमने इसे बिना ओवन के कढ़ाई में ही बनाया है और ये बहुत ही स्पॉन्जी सा हमारा केक तैयार हुआ है, कहीं से जला भी नहीं है। मैं आप लोगों को कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट है। अगर आप लोग भी इसी मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आप लोगों का भी केक ऐसा ही बनेगा। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी एक कप सेट कर लें, उसी से सारा मेजरमेंट करें। ये देखिए अंदर से भी हमारा केक कितना सॉफ्ट है और ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है। ये जितना टेस्टी देखने में लग रहा है उससे भी ज़्यादा टेस्टी ये खाने में है। तो आप लोग भी इस क्रिसमस पर ये केक ट्राई ज़रूर करिएगा और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।